यूट्यूबर जैसे सोविक डी, ये तो पक्का हैकर है, एक नंबर का चूतिया साला, क्या ही बोले इन लोग के बारे में। सॉरी डियर, मैं मुझे एक्सपोज कर दिया गया है और मजाक नहीं भाई, सही में एक्सपोज कर दिया मेरे को यूट्यूबर ने, मेरे को एक्सपोज कर दिया और बहुत कुछ हो रहा है आज। मतलब पानी पानी और चाहिए आंसू निकालने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे ढीठ बंदों के बारे में। नहीं नहीं, मैं हूँ थोड़ा सा, पर मेरे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे ढीठ बंदों के बारे में जो मेरे से भी ज़्यादा ढीठ है सोशल मीडिया में। ऐसे ऐसे वो कांड कर रहे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं आज उनको एक्सपोज करूंगा। नहीं, एक्सपोज पहले हो चुके हैं, आज मैं मजे लूंगा। एक होता है एक्सपोज, एक होता है मजे लेना। आज मैं मजे लूंगा, एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, और मैं कैसे एक्सपोज हो गया और किसने एक्सपोज कर दिया, मैं कितना दुखी हूँ और मैं कितना ज़्यादा उदास हूँ, सब कुछ आज के ये वाले वीडियो में पता करेंगे। यूट्यूबर जैसे सोविक डी, ये तो पक्का हैकर है, एक नंबर का चूतिया साला, अबे गाली दे रहा है मेरे को के बारे में। अगर आपको बीजेएमआई खेल के रोज लाखों रुपए एकदम रियल कैश कमाना है, पैसा ही पैसा होगा, तो एक जबरदस्त ऐप के बारे में मैं बताता हूँ जिसका नाम है सो स्ट्रॉन्ग। ये वीडियो ध्यान से देखना और स्किप मत करना। सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उस पे क्लिक करना है और सो स्ट्रॉन्ग ऐप को इंस्टॉल करना है। जल्दी से साइन अप करो, जिसमें सिर्फ 8 से 10 सेकंड ही लगता है। साइन अप करने के बाद आपको गेम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे बीजेएमआई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। साइन अप प्रोसेस खत्म होते ही आपको 50 रुपीस बोनस मिल जाएगा। बस बीजेएमआई खेलो जैसे आप नॉर्मली खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग आपके रिजल्ट को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। अभी सो स्ट्रॉन्ग पे 50,000 रुपए का कॉन्टेस्ट भी लाइव है। परमिशन अलाउ करना पड़ेगा ताकि हमारे एंटीजी सिस्टम काम कर सके, और उसके बाद आप बीजेएमआई खेलते रहो और सो स्ट्रॉन्ग आपके स्कोर को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। थोड़ी देर बाद कॉन्टेस्ट एंड हो जाएगा और आपको आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग रियल मनी में मिल जाएगा। जीते के पैसे को आप इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो कोई भी यूपीआई के थ्रू, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी के थ्रू में। और हाँ, सो स्ट्रॉन्ग पर वीकली मेगा कॉन्टेस्ट भी चलता है जिसका प्राइस पूल है 1,00,000 रुपए। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से, ये तो लाख होगा इनाम हर रोज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो पक्का है कर एक नंबर का चूतिया साला, अबे गाली दे रहा है मेरे को के बारे में। क्या कर दिया मैंने, लगा लगा के खेलता है और चूतिया बनाता है। लगा लगा के खेलता है। हम भी बहुत बड़ा हेडफोन लगाए हैं भाई, तो बहुत बड़ा हेडफोन लगाए भाई, मैं तो छोटा सा लगाया, नॉर्मल फ्री साइज भाई। आप कौन सा हेडफोन लगा लिए, कौन सा साउंड पता चलता ना। पबजी में रेंज फिक्स्ड है कि इतना मीटर तक बंदा आएगा, तुम कितना भी महंगा हेडफोन लगा लो और नहीं मीटर के अंदर में तुम्हारा साउंड समझ नहीं आएगा। बात में पॉइंट है, लोग के लिए क्या ही कहा जा सकता है। आप लोग तो उनको सपोर्ट करोगे, जो रियल गेम प्ले बना रहा है उसको तो कोई देखता है नहीं। देखो भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जो रियल गेम प्ले बना रहा है उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते, उनको सपोर्ट करो भाई। ने यहाँ पे अलग अलग भाषा में गाली दिया, ईएसपी यूज करता है, हेडफोन उनके पास बड़े हैं, हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है, दिल का बड़ा था निकाल दिया, हेटर्स टाइप का मैं सोचा, मैं बोला ठीक है, इट्स ओके। मेनी मंथ्स लेटर, मैं मस्त से बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं गेम प्ले खेल रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है जैसे चल रहा था, और उसी दौरान भाई का फिर से एक और वीडियो आगे टपक जाता है, और वहां पे मैं सोचा कि फिर से भाई मेरे को भर भर के गाली देंगे। इस बार मैं हेडफोन को अच्छे तरीके से लगा लिया, क्योंकि भाई घर वाले होते हैं, गाली वाली से प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं हेडफोन लगा बैठा मस्त देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या सीन है, गाली वाली खाने के लिए मैं रेडी था सख्त, और इसी दौरान वीडियो देखते हैं। तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज से पहले मैं किसी भी गेमर अच्छा का फैन नहीं, ठीक है, किसी भी गेमर का, अच्छा, लेकिन आज से मैं फैन हूँ सोविक डी का। वो भी इसके पीछे रीजन क्या है वो तो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। बताओ भाई, बताओ बताओ, अभी तो गाली दे रहे थे आप मेरे को, फैन कैसे बन गए। ना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, देखा था, जिसका टाइटल और थंबनेल में लिखा था सोविक डी को मतलब एक्सपोज करते हुए, अंदर गाली भी दिया था आपने। इतना दिन से उस वीडियो को तो कुछ हुआ नहीं, मैंने सोचा कि भाई मैंने ऐसे ही नॉर्मली डाल दिया है, अच्छा, तो उस टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम था, तो मैंने सोचा कुछ व्यूज आ जाएंगे, क्या 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 क्या, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, वीडियो अपलोड कर दिया था। यहाँ पे आ रहा है मेरे को गुस्सा, भाई ने पहले पॉइंट में बोला था कि सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले हैकर होते हैं, ठीक है, उनका पॉइंट है, मैं समझा,
दूसरे में मेरे को भर भर के गाली दे दिया। मैं बोला ठीक है, वो अपने जहाँ पे देना है गाली दे रहे हैं, मेरे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स ये गाली मेरे लिए नहीं। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बोला कि जेन्यून लेजिट प्लेयर को कोई सपोर्ट नहीं करता, और हमारे जैसे मतलब मेरे को जो गाली दिया था कि जो एएसपी वाले बंदे रहते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, उनको सपोर्ट किया जाता है। भाई ये वाले वीडियो पे बोल रहे हैं कि भाई मेरे फैन है और भाई ने वीडियो ऐसे ही बना दिया था, कोई लॉजिक है ये बात पे? गुस्सा आ रहा है मेरे को, देखो ये वीडियो आ गया, चलो देख। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था वीडियो, अपलोड कर दिया था, लेकिन आज पूरे चार महीने के बाद मतलब पिछले 5-6 दिन से वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है। वायरल होगा भाई, आपने नाम लिया हमारा, और भाई तो कुछ ज़्यादा ही हेड स्प्रेड हो रहा है उससे। हेड स्प्रेड, एक सेकंड, मेरे को हेड स्प्रेड नहीं आया है, मे भी हो सकता है मेरे डीआर भी इतने लॉयल है, आपको टपाटप दे दिया होंगे, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो भाई मैं सौविक डी के फैन जितने भी उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा, सॉरी बोल रहे था, पता है आपको। एक बंदा मेरे को याद है, मेरे को इन गेम गाली दे दिया था, मेरे डीआर में जाके इतना ज़्यादा रिपोर्ट कर दिए थे, उसका चैनल ख़त्म हो गया था, और भाई को भी ऐसे तो लग रहा है डीआरमी ने कुछ किया था। आप में से कोई भाई को जानता है और भाई को कोई कमेंट सेक्शन में डोज वगैरह दिए हो तो बताना मेरे को, आपने ये वीडियो देखा था क्या? ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो। अरे हमको नहीं पता था कि मतलब इस टाइप का हेड स्प्रेड होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ हेड स्प्रेड हो, और वो बंदा इतना अच्छा है भाई, मैंने खुद उसकी वीडियो देखी बहुत। यहाँ पे मैं पिघल गया, वो रियल गेमर वही नहीं, मैंने देखा उसका वीडियो जब वो रूम खेलता है दूसरे कंट्री के बंदे से, उसको कितने को गाली दे देता है कोई, फिर भी वो बोलता है कि भाई हेट स्प्रेड मत करो, यही वो रीज़न है जिसके कारण मैं उसका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। वो बस गेम प्ले एक दो देखे होंगे और मेरे को हैकर घोषित कर दिए होंगे, जो कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने अच्छे तरीके से फॉलो किया और मेरे को समझा, और उसके बाद फिर से हिम्मत करके वीडियो बनाया, और डीआरबी का भी बहुत बड़ा रोल है, वो जाके उनको कमेंट सेक्शन में जो भी बोले हो और उनको समझाए हो। यहाँ तक था, ये मेरे को भाई ने एक्सपोज किया और खुद ही फिर बोल दिया कि भाई नहीं, ही इज़ अ रियल गेमर, और यहाँ पे ये एक्सपोज वाला सीन यहाँ पे ख़त्म हो गया। पर अभी मैं जो जो वीडियो देखने जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई सॉरी का कोई कीमत नहीं है, भाई लोगों ने या फिर बहन लोगों ने सही में हैक कर लिया भाई, हैक तो किया, और ऊपर से स्विमिंग में किया, टूर्नामेंट में किया, कहाँ कहाँ नहीं किया, बाथरूम में किया, बाथरूम के बाहर आके किया, सब जगह हैक कर लिया। मजे की बात ये नहीं था, मजे की बात तो ये है, हैक करके पकड़ा गया खुल्लम खुल्ला, देखते हैं। जैसे कि आप लोग गाइस इस क्लिप में देख सकते हो, बंदी के हाथ में जो SKS विद 4X, भाई देख रहे हो गाइस क्या मार रही है भाई, मतलब पूरा एमबोर्ड देख रहे हो, बॉडी पे लगी नहीं रहा बंदा। इस क्लिप में देखो भाई, डीपी से बंदी ने मतलब क्या ही पेला, जहाँ पे बंदी दिख मतलब बंदा दिख ही नहीं रहा वहां पर ही मार रही है, मतलब पूरी दीवार छेद रही है भाई, देख रहे हो गाइस यहां पर देखो इस बंदी ने मुंह मिस फायर बोलते भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, बिंदास बहन हैकर थोड़ी ना है, कैसे ऐसे कैसे बोल दोगे आप, हम मान लेंगे क्या? और ये हमने गलती कर दी, और हमने ये डिसाइड किया कि चलो गाड़ी में बैठते हैं और उड़ते हैं हवा। यहाँ पे बिंदास बहन कुछ बोल रही है, 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में क्या हो जाएगा, तो शाउट आउट दो ना। ठीक है, वो हैकर कहीं और मरा और बिंदास काव्या की टीम कहीं और मरी, अगर उस हैक की वजह से अकाउंट बैन होना था तो उसी वक्त बैन होता, ना कि उसके 5-6 मैचेस के बाद। क्या 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 चल रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा आईडी बैन हो गया, बिंदास काव्या बहन यहाँ पे दूसरे किसी हैकर के गाड़ी में बैठते हुए मेरे को दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिखा मेरे को अभी तक। अरे भाई गोली तो नीचे जा रहा था, बंदा कैसे मर गया? जादू भाई, झटका लग गया रे मेरे को, बाबा कोई बचाओ रे मेरे को, यहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट मैं किस लिए कर रहा था, मैं आता हूँ पॉइंट पे। कुछ टाइम पहले की बात है, डीआर में अगर आप मेरे को पहले वाले चैनल से आप जानते हो, तो उसी दौरान मैं और बिंदास काव्या एक ही स्ट्रीम में आ गए थे, और वहां पे दोनों के बीच फाइट हुआ था। मैं जब बिंदास काव्या बहन को मैंने मारा था, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, मेरे को कोई मार दिया, ऐसा टाइप का कुछ रिएक्शन था। तो मैं मारा, ठीक है, रिएक्शन था, बढ़िया था, मैं वीडियो अपलोड किया, और मैं टाइटल में कुछ रख लिया था, हैकर ऐसा टाइप का कुछ मैं टाइटल में रख लिया था। फिर बिंदास काव्या मेरे कमेंट सेक्शन में आए और बोले, अगर आप हेटर नहीं हो मेरा, टाइटल चेंज कर दो।
मैंने फिर टाइटल चेंज कर लिया। उन्होंने वहां पे मेरे को कमेंट सेक्शन में सोबिक भाई नाम से बुलाया था और मैं रिप्लाई के तौर पे मैंने बिंदास काव्य सिस्टर लिख लिया था, उसी रिलेशन से भाई बहन है। पर ये क्लिप गोली नीचे बंदा ऊपर खत्म, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी जो मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं ये एक टूर्नामेंट का क्लिप है और यहाँ पे हमारे सैगी भैया सीधे ही अंधाधुन घुस रहे हैं, देखते हैं। ओके जा रहे हैं, बंदा नहीं दिख रहा, भाई क्या मार रहा है, पीछे साउंड आया होगा, पीछे जा रहा है, पीछे गॉब्लिन है। सामने गोब्लिन है और भाई बंदा घुस घुस के घुसम घासी कर दिया यहाँ पे। निग्मा इज अ पजल दैट वोंट बी एबल टू क्रैक, माय साहब कमेंट्री तगड़ा फाड़ू बूम बम चल रहा है। और मैं ये क्लिप के बाद दावे से बोल सकता हूँ मैं फैन हो गया भाई, पर जब मैं आगे देखता हूँ प्रोफेशनल प्लेयर है, बता बता अच्छा सच में हैक कर दिए गए, अच्छा ये इनका स्ट्रीमिंग का क्लिप है, स्ट्रीमिंग का क्लिप एक बार देखते, ये क्या है विंजो है क्या, ये क्या लिखा हुआ है विंजो, नहीं नहीं विंजो तो हमने प्रमोशन किया था कभी, अच्छा यही हैकिंग टूल है क्या, और एक ही डिवाइस में भाई साहब दो दो पबजी, भयंकर भयंकर सीन भाई। आपने सगी भैया आपने हमें दुखी कर दिया, अभी आपका क्लिप देख के हम फैन बन गए थे, अभी आपने क्या कर दिया। हाँ, फोन पे कैसा, और जितना टाइम हैक करने में लगा दिया उतना खेलने में लगा देता तो शायद जीत ही जाता। नहीं 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 कह रहे भैया कैसे बात कर रहे हो आप, हैक करने में एक सेकंड लगता है, उतना टाइम खेल लेता तो जीत जाता टूर्नामेंट, ये बात गलत है आपका। तो तेरे को नॉर्मल गेम दिखेगी बट उसकी स्क्रीन में लाइनें वाइनें सब आएगी। जिनमें इतना गूदा कैसे आ जाता है भाई, उसने ऑफिसर फिर से बेंचोद अपने पेपर की चीटिंग नहीं होती है जब मैं आखिरी सीट पे बैठा हूँ और ये टूर्नामेंट में भोजड़ी का हैक कर लेते हैं एग्जाम में पीछे बैठे हो चेटिंग नहीं किया। खैर अभी हम बात करते हैं, एक CS:GO टूर्नामेंट चल रहा था और वो भी ग्लोबल लेवल पे, वहां पे हमारे इंडिया का एक बंदा गया था और उसी दौरान टूर्नामेंट में ऑलरेडी वहां पे डिवाइस वगैरह मिला रहे थे, उन्हीं के डिवाइस में मस्त से हैक लगा लिया। यहाँ पे मस्त से बंदा बैठा है, यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे हैकिंग दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है ना जो इंस्पेक्टर रहता है पीछे चेकिंग के लिए आ गया, उनको शायद तक डाउट आ गया है कि यहाँ पे हैकिंग वैकिंग तो चल रहा है, बंदा यहाँ पे उसके मुंह के सामने डिलीट करने जा रहा है भाई, रोक लिया भाई ये, ओ माय गॉड भयंकर भाई। और ये देखो Just because I have a good recoil, I'm good at the game. Is it the first time you see someone good at the game? Have you ever seen anyone playing like me? It's like, भाई यहाँ पे बंदा अपना तारीफ किया जा रहा है कि मैं good aim करता हूँ, ये करता हूँ, recoil control करता हूँ, ठीक है समझ गया। और यहाँ पे background में उसका hack दिख जाता, क्या हक दिया भाई तूने, क्या कर दिया ये। Oh my God, man. यहाँ पे basically ROG Gaming पकड़ा गए थे, live में stream करते करते बस दंडी पीली वेली कुछ आ गया था, और यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ और ये सुनते हैं। Hello guys. Hello. Hello. अरे बहुत खुश है, कभी हंसी आ रही है, 2 सेकंड पहले फट गई थी एकदम। यार पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं। क्या क्या बता 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 बता। मुझे एफबी से टुक 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 आवाज सुनते हो, एफबी से टुक 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 आई सॉ टुक टुक आवाज आ गया। अच्छा आ गया, फेसबुक से मैसेज आया उनको कुछ, यहाँ पे पूरे कुछ भी चल रहा है भाई, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में हैक पकड़ा गया, अभी प्रोमोशन के लिए आया था एफबी से कुछ लिंक और उसमें लिंक पे क्लिक कर दिया और उधर क्या था टुप टुप भाई वजह से मैंने क्लिक किया स्क्रीन ब्लैंक हो गया, समझ रहे हैं ब्लैंक हो गया, ब्लैंक होने के बाद कुछ लाइन हेलो डीआरबी ऐसा मत बोलना कि भाई आप सबको सपोर्ट करते हो लास्ट में कार्ड देते हो, ऐसा नहीं हो।
नहीं काट रहा मैं सपोर्ट। उन्होंने बोला कि वो लिंक ये वो, तो गाइस मैं एफबी पे लिंक आया और ये सीन। मैं समझ गया भाई, पूरा समझ गया मैटर। मैं कुछ नहीं बुरा मान रहा, एफबी में टुप 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 हुआ, आपने गलती से क्लिक कर लिया, मैं समझ गया। मैं इतना सोच के मस्त सोने ही आ रहा था, इतने में एक और वीडियो आता है। लिटरली मेरा दिल टूट गया। नहीं माई, क्या 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 हो रहा है यहाँ पे, जहां पे मैं फुल सपोर्ट कर रहा था, मैं था इस सपोर्ट का, क्या करूं मैं? आप कमेंट करो डियर मी।